हेलो गेमर्स, वेलकम बैक। एंड गाइस, आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं स्काई ब्लॉक सर्वर में। सो गाइस, मेरे को 2 मिनट द्वारा इस आइलैंड को क्लीन करने के बाद मिलता हूँ। नाउ गाइस, सर अब लग रहा है हमारा आइलैंड थोड़ा सा अच्छा भाई, देखने में काफी ज्यादा छोटा लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसको हम धीरे धीरे बड़ा कर लेंगे। गाइस, अभी के लिए हमारे पास जितना भी सामान रखा है उस सारे सामान को इस चेस्ट में हम रख देते हैं। नाउ गाइस, अभी फटाफट से चलते हैं हब को। आई थिंक गाइस, आज हमको फार्म को जाना चाहिए और थोड़ी बहुत फार्मिंग वगैरह करेंगे, वहाँ से कैरेट और वीट वगैरह लेकर आएंगे और बेचेंगे, और होगा तो एक आदम मिनियन बनाएंगे। गाइस, मेरे हिसाब से हमको सबसे पहले कैरेट मिनियन बनाना चाहिए, वीट मिनियन हम बाद में कभी बना लेंगे। सो अभी ऐसा करते हैं, फटाफट से चलते हैं बर्न को। नाउ गाइस, यहाँ पर भी काफी सारे वीट देखने को मिल जाता है, लेकिन अभी हम लेने आए यहाँ पर कैरेट, तो कैरेट ही लेके जाएंगे हम यहाँ से। गाइस, वहाँ पे वो क्या चीज है यार, चलो यार उसको भी देख के आ ही जाते हैं। गाइस, ये वुडलैंड है, आई थिंक मेरे को लग रहा है कि यहाँ पर हमको वुड देखने को मिल जाता है, बिकॉज गाइस यार लंबरजेक वाला भी बंदा मेरे को देखने को मिला है। एंड भाई, ये क्या करता है अभी यहाँ पे? सो यहाँ से हम वुड वगैरह खरीद सकते हैं और शायद से बेच भी सकते हैं। एंड बाकी यहाँ तो मेरे को कुछ और तो नहीं दिख रहा, बाकी एक बड़ा सा होल बना हुआ है आगे, वो क्या चीज यार देखते हैं फटाफट से चल के। गाइस, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है, बस हमको कभी यहाँ पर सेंड वगैरह इकट्ठी करनी हो तो हम यहाँ पर आ सकते हैं, बाकी ऐसा कुछ खास चीज तो लगी नहीं मेरे को। ये लोकेशन पता नहीं क्या ही चीज है। ऐसा करते गाइज, ये भी एक लोकेशन है गाइज, यहाँ पर से हमको कुछ मशरूम वगैरह मिल जाती हैं। गाइज, हमको यहाँ पर कैक्टस वगैरह भी देखने को मिल जाते हैं, सो वो भी हम यहाँ से ले जा सकते हैं। एंड सामने ही मेरे को यहाँ पर काफी सारे शुगर केन दिख रहे हैं, तो ऐसा करते भाई इनको भी लेने की कोशिश करते हैं, क्या वापस आते हैं हमारे पास। सो गाइज, हम यहाँ से ले सकते हैं शुगर केन, इसीलिए बनाए गए यहाँ पे। देखते हैं वाकई हमारे इन्वेंट्री में आ भी रहे हैं या नहीं। सो गाइज, ये शुगर केन हमारी इन्वेंट्री में आ रहे हैं, लेकिन अभी इनका हमें कोई काम नहीं है, फटाफट से चलते हैं वापस से अपने बर्न को। गाइज, यहाँ की सारी कैरेट मेरे को लग रहा है बंदों ने काट दी, और बाकी काफी कम दिख रही है मेरे को, बाकी यहाँ पर थोड़ी बहुत है, तो ये भी तोड़ ही लेते हैं लगे हाथ। ऑलराइट गाइज, अभी हमारी इन्वेंट्री फुल हो चुकी है, तो फटाफट से चलते हैं आइलैंड को और एक मिनियन बनाते हैं यार, प्यारा सा कैरेट वाला। गाइज, हमको कैरेट मिनियन को बनाने के लिए ऑलमोस्ट ये सारी चीजें चाहिए होगी जो कि मेरे पास है, मेरे पास हुई नहीं है, तो वो भी हम फटाफट से बना लेते हैं। ना गाइज, यहाँ पे लगाते हैं इस हुई को, एंड बाकी सबको उठा उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। बट गाइस यार, हमारा मिनियन बना क्यों नहीं? मिनियन बनाने के लिए कोई सी ऐसा तो नहीं है यहाँ पर भी कि भाई हमको कोई सा लेवल अनलॉक करना पड़ेगा उसके बाद ही मिनियन बनेगा? गाइस, इस सर्वर में मिनियन बनाने के लिए हमको कस्टम क्राफ्टिंग टेबल का यूज करना पड़ता है, जो कि हमारे नेदर मेन्यू में होती है। सो सिंपली आपको अपने मेन्यू को ओपन कर लेना है, देन जैसे मेन्यू को ओपन करते हैं उसके बाद तुमको जाना है यहाँ पर क्राफ्टिंग रेसिपीज में। देन गाइस, यहाँ पर नीचे तुमको देखने को मिल जाती है कस्टम क्राफ्टिंग टेबल, यहाँ पे जाना है। यहाँ पे जाने के बाद में तुमको जो भी मिनियन बनाने का सामान होता है वो लगा देना है कुछ इस तरीके से। नाउ गाइस, हमारा मिनियन बन चुका है, देख सकते हो तुम, यहाँ पर मिनियन दिख रहा होगा तुमको। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर मिनियन नहीं बना सकते, हमको कुछ इस तरीके से बनाना पड़ता है मिनियन। नाउ गाइस, हम यहाँ पे लगाने वाले अपने इस वाले मिनियन को, तो यहाँ पर हमको थोड़ी सी जगह करनी पड़ेगी, तो मैं कर लेता हूँ फटाफट से पहले। नाउ गाइस, यहाँ पे लगाते हैं अपने इस वाले मिनियन को। सो गाइस, फाइनली यार मिनियन को लगा दिया मैंने, और इसकी पूरी स्किन बिल्कुल मेरे स्किन जैसी ही है यार, भाई तुम देख सकते हो यहाँ पे। एंड गाइस, अभी तुम देख सकते हो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कोई छोटा बच्चा मेरे पास खड़ा है, एंड अगर मैं अभी अपने कपड़े निकाल दूँ तो बिल्कुल इसके जैसा ही लगूंगा यार। एंड गाइस, इसको अपग्रेड करने के लिए हमको क्या क्या आइटम की रिक्वायरमेंट लगने वाली वो भी हम चेक कर लेते हैं। सो भाई यार, इसको अपग्रेड करने के लिए हमको लेवल 2 पे ले जाना, अगर इसको हमको 2000 कॉइंस लगने वाला है। एंड गाइस, हम यहाँ से सीधे ऑटो सेल इनेबल कर सकते हैं, इसके लिए बस हमको 10,000 रुपये देने होते हैं, जो कि मेरे पास नहीं है अभी। एंड अगर इसको अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करने के लिए मेरे को चाहिए होंगे, आई थिंक गाइस हम यहाँ से अपग्रेड कर सकते हैं इसको। अगर मैं एक बार क्लिक करता हूँ तो हमारा अपग्रेड हो जाएगा, बिकॉज मेरे पास 2,000 रुपये रखे हैं। ऐसा करते गाइस, इसको अपग्रेड कर ही लेते हैं यार। एंड अभी इसके ऑटो सेल को तो इनेबल नहीं कर सकता मैं, बट गाइस मेरे पैसे कटे नहीं यार मेरे पास से, वाह। सो क्या गाइस, ये अपग्रेड हो चुका है, यहाँ पर मेरे को 2 स्लॉट देखने को मिल रहे, पहले एक ही दिख रहा था यहाँ पे, एंड मेरे पैसे भी अभी इन्वेंट्री से कट चुके हैं। सो आई होप यार गाइस, तुमको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड आने वाले वीडियो में कोशिश करूंगा थोड़े बड़े बनाने की। बाकी यार गाइस, अगर तुमको इसके ट्रिक्स एंड टिप्स के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर से बताना, बिकॉज यार मैंने मैजिक स्काई पहली बार खेल रहा हूँ एंड मेरे को इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। सो क्या गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।